आज हम फराले सूरन की दही वाली सब्जी बनाएंगे। पैन में 2 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, जीरा को थोड़ा भून लेंगे, जीरा लाइट ब्राउन हो गया है। इसमें 2 हरी मिर्ची बारीक चॉप करके लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको तीखा चाहिए उतना मिर्ची आप डाल सकते हैं। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक चॉप करके लिया है, ये डालेंगे। 1.5 टीस्पून जितना चॉप अदरक है। लाइटली सौते कर लेंगे। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। टू टेबल स्पून रोस्टेड पीनट पाउडर डालेंगे। सिंग दाना को सेक लिया है और पाउडर कर लिया है। 1 टेबल स्पून ड्राई कोकोनट डालेंगे, ग्रेटेड कोकोनट है। लाइटली सौते कर लेंगे। 1 टेबल स्पून मोरैया और साबूदाना का आटा बना लिया है, ये डालेंगे। मोरैया और साबूदाना दोनों को मिक्सी में पीस के आटा बना लेना है। इसके बदले में आप अगर चाहे तो सिर्फ मोरैया का आटा भी डाल सकते हैं। लाइटली भून लेना है। आंच हमें धीमी रखना है। गैस ऑफ कर देंगे। 1/2 कप पानी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। 1 कप फ्रेश दही लिया है, ये डालेंगे। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, मिक्स कर लेंगे। गैस चालू करेंगे। धीमी आंच पे मसाला थोड़ा सौते कर लेंगे। तीन सौ ग्राम सूरन को हमने बॉईल करके लिया है। सूरन को पहले पील कर लेना है, फिर बराबर धो के छोटे छोटे क्यूब में काट लेना है और उबलते हुए पानी में 1 टीस्पून सिंधा नमक डाल के बॉईल कर लेना है। और जब भी सूरन कुक हो जाए, बराबर कुक हो जाना चाहिए, और कुक हो जाए तभी उसे स्ट्रेनर में निकाल के पानी सब निकाल लेना है। इस तरह से हमने सूरन को बॉईल कर लिया है। ये सूरन डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। वन टीस्पून सिंधा नमक डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट कुक कर लेंगे। धीमी आंच पे हमने 5 मिनट कुक कर लिया है। बीच में 2 बार उसे चला लिया है। सूरन की सब्जी रेडी हो गई है। इसे हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे और उसके ऊपर फ्राइड पीनट से गार्निश करेंगे। इसके साथ कुछ भी खाना ज़रूरी नहीं है। ये सब्जी अपने आप में एक कंप्लीट मील है।